नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस चुनाव में जीत को लेकर दोनों उम्मीदवारों के बीच जमकर चुनावी जंग चल रही है। एक तरफ वर्तमान राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं तो दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि चुनाव अमेरिका में है लेकिन बार बार यहाँ भारत का नाम सामने आ रहा है और ट्रंप चुनाव में जीत के चक्कर में भारत को लेकर हर बार बेतुकी टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको लेकर अब उनके ही प्रतिद्वंदी बाइडन ने उन्हें फटकार लगाई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ऐन पहले जो बाइडन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की और कहा कि उन्हें ये भी नहीं पता कि मित्रों के बारे में कैसी बात करनी चाहिए। आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में भारत को गंदा कहने पर जो बाइडन ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को वैश्विक मुद्दों की समझ नहीं है। जो बाइडन ने कहा है कि किसके बारे में कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है ये ट्रंप नहीं जानते। डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का जिक्र करते हुए जो बाइडन ने एक ट्वीट में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को गंदा कहा, ये भी नहीं जानते कि आप दोस्तों के बारे में कैसे बात करते हैं और आप जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों को कैसे हल करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कमला हैरिस और मैंने गहराई से अपने साझेदारी को महत्व दिया है, हम विदेश नीति के केंद्र में सम्मान वापस लाएंगे। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में भारत में गंदी हवा का जिक्र करते हुए उन्होंने पेरिस समझौते से बाहर निकलने के अपने फैसले का बचाव किया था। पेरिस समझौता वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक प्रमुख वैश्विक कदम है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने इस दौरान कहा था कि भारत को देखो ये कितना गंदा है, वहाँ हवा कितनी गंदी है। सोशल मीडिया पर भी ट्रंप के बयान पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।